वंदे मातरम दोस्तों, मैं हूं हंस और आज बात करेंगे दोस्तों आईपीसी 494 एंड 495 में क्या डिफरेंट होता है। जी हां दोस्तों, काफ़ी लोगों के माइंड में डाउट रहता है कि यार 494 शादीशुदा जिंदगी बिना तलाक के दूसरी शादी करने पे लगती है और 495 भी लगती है, लेकिन इनमें डिफरेंट क्या होता है काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन आज वो डाउट मैं क्लियरली कर देता हूँ दोस्तों। भाई बिना तलाक लिए अगर आप दूसरी शादी करती हो तो क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरी डिटेल में आज मैं समझा दूंगा आपको। चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। देखिए दोस्तों, पहली बात, मान लीजिए आप में से पति या पत्नी कोई भी बिना तलाक लिए दूसरी शादी करता है, बिना तलाक लिए दूसरी शादी करता है, तो उस पर आईपीसी की धारा 494 लगती है। अब ये कहाँ से लगती है, अब लोग कहते हैं सर क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो, क्राइम कोई क्राइम नहीं होता, रियलिटी आपको मैं क्लियर बताता हूँ। जब तक कोई बात कोई भी चीज़ होती ना कोर्ट की नज़रों में नहीं आती तब तक कोई क्राइम नहीं होता। आप कहीं भी किसी का मर्डर कर दीजिए, कहीं रेप होते हैं, ठीक है, काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं आपको पता हो तो, लेकिन जब तक वो कोर्ट की नज़रों के सामने नहीं आएगा तब तक वो क्राइम नहीं होगा। तो भाई अगर आपका पति या पत्नी कोई भी बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर लेता ना, तो आपको कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा। फैमिली केस का मैटर है तो आप पुलिस का सहारा ना लेके कोर्ट का सहारा लेगो तो शायद बेटर होगा। उस कंडीशन में मान लीजिए पति या पत्नी कोई भी बिना तलाक लिए हुए शादी करता है, बिना तलाक लिए शादी करता है, तो उस पर आईपीसी की 494 लगता है, जिसमें 7 साल का प्रावधान है, ठीक है। और जो जिससे शादी करेगा वो अनवैलिड घोषित हो जाएगी, ठीक है, बिना आपसी डिवोर्स लेगा। कितनी शादी कर लो बिना तलाक लिए हुए दूसरी शादी होगी वो डिवोर्स नहीं होगा, ठीक है, वो वैलिड नहीं माना जाएगा कभी भी। उसकी औलाद वैलिड मानी जा सकती है लेकिन वो बीवी कभी भी वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो ये कर सकती है कौन, जो पति या पत्नी जो भी है, बाहर पति ने किया तो उसकी पत्नी कर सकती है, अगर पत्नी ने किया तो उसका पति कर सकता है। तो 494 यहाँ पे लगती है। तो आई थिंक ये डाउट क्लियर हो गया। अब 495 आईपीसी, मान लीजिए कोई भी पर्सन शादीशुदा है, पति या पत्नी में से कोई भी शादीशुदा है, वो किसी थर्ड पर्सन से शादी करता है जाके, और उसे ये बताता नहीं है कि मैंने शादीशुदा हूँ ऑलरेडी से, छुपा के शादी करना, कहने के मतलब जो मान लीजिए एक तरह से उसके शादी किया किसी से, उसका तलाक हुआ नहीं और वो जाके किसी थर्ड पर्सन से शादी कर रहा है चाहे पति या पत्नी में से, तो उस कंडीशन में आईपीसी 495 लगती है, जिसमें 5-7 साल से लेकर 10 साल का सजा। जिससे शादी किया, जिसे पति है, उसने किसी थर्ड पर्सन किसी लड़की से शादी किया, उसे बताया नहीं कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है, डिवोर्स है, तो उस कंडीशन पे उस पर आईपीसी की धारा 495 लगती है, उसमें 7 साल से 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। तो दोस्तों, जो डाउट था आपके माइंड में वो पूरा क्लियरली हो गया होगा कि अगर आप शादी की बिना डिवोर्स लिए दूसरी शादी करती हो तो क्या सज़ा मिल सकती है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।